वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विषय नहीं रह गया, महिला के पारिवारिक अधिकारों को छीनने का भी कुछ लोगों ने इसको माध्यम बना दिया। मोदी सरकार ने कहा कि आप 3 बार तलाक देकर एक मुस्लिम महिला को त्याग नहीं सकते। तेलंगाना में वक्फ बोर्ड ने खुला देना शुरू कर दिया, तो वहां के स्थानीय वक्फ बोर्ड ने खुला देने का, खुला सर्टिफिकेट देने का भी काम शुरू कर दिया। कई केसेस ऐसे आए जिसमें महिला को प्रताड़ित किया गया कि वो अगर धमकी के बाद भी अपना महर छोड़ के खुला एक्सेप्ट ना करे तो उसका जीना दूभर हो जाता। अहमदिया समाज ने कहा कि उनके प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो हमारा संविधान नहीं करता। कि जब हम एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं तब हमें अपने धर्म की दृष्टि से नहीं, अपने संविधान की दृष्टि से जनता की सेवा करनी होती है। इसलिए आज निश्चित रूप से 2-3 बातें वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जो मेरे अनुभव में मैंने देखी और मुझे थोड़ा उसको देखकर चिंता हुई वो ये है। तेलंगाना में वक्फ बोर्ड ने खुला देना शुरू कर दिया, मतलब मोदी सरकार ने कहा कि आप 3 बार तलाक देकर एक मुस्लिम महिला को त्याग नहीं सकते। उसके चलते कुछ लोगों ने कहा कि कैसे ट्रिपल तलाक को अवॉइड किया जाए। कई केसेस ऐसे आए जिसमें महिला को प्रताड़ित किया गया कि वो अगर धमकी के बाद भी अपना महर छोड़ के खुला एक्सेप्ट ना करे तो उसका जीना दूभर हो जाता। तो वहां के स्थानीय वक्फ बोर्ड ने खुला देने का, खुला सर्टिफिकेट देने का भी काम शुरू कर दिया। इसका मतलब वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विषय नहीं रह गया, महिला के पारिवारिक अधिकारों को छीनने का भी कुछ लोगों ने इसको माध्यम बना दिया। आंध्र प्रदेश में मंत्री रहते हुए मेरे सामने एक भयावह स्थिति तब प्रस्तुत हुई जब मुस्लिम समाज में से अहमदिया समाज मेरे पास आया और अहमदिया समाज ने कहा कि उनके प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो हमारा संविधान नहीं करता, जो सरकार नहीं करती, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अपने में समाहित कर ली, और किसके कहने पर, जमात के सपोर्ट। तो इसीलिए आज भले ही ये वाला मंच सीमित है टेनेंट्स वेलफेयर के संदर्भ में, लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूं कि जब सरकार ने या सरकार के नुमाइंदों ने इस विषय पर अपनी रिसर्च की, जैसे अत्रिज ने कहा, या अपनी सोच को रखा, तो वो सोच एक विषय या एक अनुभव या समाज के एक अंश के आधार पर नहीं, व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में रखा। कि क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जबरन एक औरत की शादी तोड़ दे, धमकाए? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि किसी को नॉन मुसलमान जो इस्लाम में मानता है उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दे? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जो मान लीजिए इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता उसको भी कहे तुम भी वक्फ बना दो? तो इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा और चिंता करने के बाद सभी, हाँ ये सत्य है कि ऑल इंडिया वक्फ काउंसिल की मैं पहली नॉन मुस्लिम चेयरपर्सन बनी, लेकिन जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आई ये जरूरी था कि मैं समाज को ये बताऊं कि भले ही मेरा धर्म हिंदू है लेकिन मैं अपने धर्म का सर्वोच्च पालन करते हुए भी अपने संवैधानिक ड्यूटीज के प्रति सजग हूं। और मेरे धर्म के लिए इससे बेहतर मेरी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि मेरे धर्म ने मुझे समझाया है, मुझे सिखाया है कि जब आप एक जिम्मेदार पद पर हो तब आप निसंकोच अपने समाज, अपने राष्ट्र के हित को देखते हुए कदम उठाओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।